मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद बीपी सरोज ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी अपने घरों पर फहराएं तिरंगा, लोगों को देशभक्ति का दिया संदेश। उत्तर प्रदेश जनपद सोनपुर के मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद बीपी सरोज ने अपने गृह जनपद मादरडीह में जनता दर्शन के दौरान जहां लोगों की शिकायतों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को फोन करके समाधान कराने का निर्देश दिया, वहीं सांसद बीपी सरोज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आज़ादी का 75वां वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। सांसद बीपी सरोज ने मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ऐतिहासिक आज़ादी का 75वां साल मनाते हुए हर घर तिरंगा फहराने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले नायकों के उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। अमृत महोत्सव एक दिन का उत्सव नहीं है, पूरे वर्ष देश की एकता और अखंडता के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। सांसद ने कहा कि 15 अगस्त को सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और उनका सम्मान करें। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। पेश है सबकी नजर के लिए एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। सांसद जी, अमृत महोत्सव के तहत जो तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें देखने को मिला बहुत बढ़चढ़ की भागीदारी आती है। देखिए, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आदेश है, उन्होंने सभी देशवासियों से निवेदन भी किया हुआ है कि आज़ादी का जो 75 वर्ष कंप्लीट हुआ है, देश आज़ाद हुए, और अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक घर पे राष्ट्रीय तिरंगा फहराना चाहिए। और इसी कड़ी में मैं देख रहा हूँ कि पूरे चाहे पक्ष हों चाहे विपक्ष हों, सब लोग जो है राष्ट्रीय तिरंगा अपने जो है घरों पर फहराने का काम कर रहे हैं और जुलूस भी निकालने का काम कर रहे हैं। मैं भी अभी तैयार हूँ, आज मछली शहर में तिरंगा यात्रा है, मैं उस यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। और मैं पूरे देशवासियों से और मछली शहर के अपने लोकसभा के लोगों से खास करके अपील कर रहा हूँ कि आप जो भी हमारे लोकसभा के निवासी हैं, अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। ये जो है राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, और हम सब लोग आओ मिल करके तिरंगा लगाएं। स्वतंत्रता दिवस मैं ये 15 अगस्त के ये पावन पर्व पर, क्योंकि बड़े जो है करोड़ों लोगों के जो है बलिदान के बाद यह देश आज़ाद हुआ है, तो मैं अपने देशवासियों से, अपने लोकसभा मछली शहर के सभी वासियों से यह आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि ये जो देश आज़ाद हुआ है, इसको आप सब लोग मिल करके, हम सब लोग मिल करके सजा करके रखें, संवार करके रखें, और हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त का जो है जश्न मनाएं, क्योंकि ये आज़ादी का 75वां वर्ष है और एक ऐतिहासिक वर्ष है। और इस वर्ष पर जो है वैसे भी पूरे देश के लोग हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त मनाने की तैयारी ये 10 दिन पहले से ही किए हुए थे, और ये तिरंगा का जो पर्व चल रहा है ये 17 तारीख तक चलेगा। सब लोग अपनी अपनी अभी आपने देखा किस तरीके से मछली शहर लोकसभा के भाजपा के सांसद बीपी सरोज जी ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत जो तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के निर्देशन में तमाम जगहों पर तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। और उन्होंने कहा, सांसद बीपी सरोज जी ने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र मछली शहर में तिरंगा यात्रा जोरों पर कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें भागीदारी हमारी भी बहुत तगड़ी है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि स्वतंत्रता दिवस जो है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव का दिवस है, और आप लोग झंडारोहण करके अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और आज़ादी का पर्व धूमधाम के साथ मनाएं। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही
खबरों की प्रामाणिकता है।